में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना हरि। और भाई साहब, आज मैं हूं हनुमानगढ़ राजस्थान में, और यहां पे आपको लेके आए एक ऐसे ढाबे पे जहां पे भाई साहब इतना जबरदस्त खाना मिलता है। आपने कभी काजू करी खाई है? मतलब ऐसी ऐसी चीजें हैं कि इतना नेक्स्ट लेवल खाना है कि आप आज बोलोगे कि भाई हरिया यार बस कर यार, मुंह में पानी आ गया। अगर आप ये नहीं कहते तो भाई मेरा फिर काम अधूरा है। आपको आज बहुत मजा आएगा। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आ जाओ मेरे साथ। भाई साहब आज नेक्स्ट लेवल है। सर नमस्कार। हेलो, क्या हाल चाल है सर? बढ़िया सर, आप बताइए। सर एकदम बढ़िया, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। भैया आपका नाम? मेरा नाम साहिल है सर। साहिल भाई, साहिल भाई मुझे ये बताओ अपने ढाबे की, पहले तो सबसे पहले कितना पुराना ढाबा है अपना? सर 1975 से है, मेरे दादाजी ने इसको स्टार्ट किया था, उसके बाद मेरे फादर संभालते थे, अभी मैं और मेरे फादर दोनों संभालते हैं। अरे वाह, तो बेसिकली 1975 में आपके दादाजी ने शुरू किया और आप आज थर्ड जनरेशन है। हाँ जी सर, यहाँ पे अपने पापा के साथ मिलकर इसको चला रहे। हाँ जी, हाँ जी। तो ये ढाबा ऐसे ही था शुरू से या कुछ और सेटअप था पहले? नहीं, सब थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है सर। पहले बाहर टेबल्स लगते थे ओपन में, फिर धीरे धीरे कूलर पंखे एसीज हैं, तो जी उस तरह से थोड़ा मॉडिफाई। नाम ढाबा है जी, प्रॉपर एक रेस्टोरेंट की तरह चलता है। बहुत बढ़िया, बस किचन ओपन रहती है क्योंकि थोड़ा छोटा शहर है, तो उस माहौल के हिसाब से किचन ओपन रखनी पड़ती है जी, ताकि कस्टमर खाना बनते हुए देखता है तो उसको थोड़ा मजा आता है। सर ये तो बड़े शहर वालों को भी बहुत पसंद है कि जो बड़े बड़े शहरों से आते हैं ना, वो भी लाइव खाना, वो लाइव खाना बनता है तो थोड़ा फील अच्छा आता है सर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा मुझे ये बताइए, जो हनुमानगढ़ शहर है ये पंजाब बॉर्डर के पास है, तो मैंने ये नोटिस किया कि पंजाब का कल्चर यहाँ पे राजस्थान के कल्चर के साथ मिक्स होके आता है। सर एक्चुअल में यहाँ से पंजाब 30 किलोमीटर है और हरियाणा भी 30 किलोमीटर जी, तो दोनों टच लगते हैं। पंजाबी लोग भी हैं, राजस्थानी लोग भी हैं और हरियाणवी लोग भी यहाँ पे, तो सब बसे हुए हैं, तो मिक्स कल्चर रहता है। बिल्कुल, हर तरह की भाषा यहाँ पे बोली जाती है, हरियाणवी, राजस्थानी, पंजाबी। वाह, तो यहाँ पे मतलब हनुमानगढ़ एक जैसे तीनों स्टेट्स का कॉम्बिनेशन है। हाँ जी सर, बिल्कुल बॉर्डर पे रहता है। और आज आप हमें जो सब्जियाँ दिखाने वाले, पहले तो ये यहाँ से शुरू करते हैं, जो पतीले हैं। हाँ जी सर, ये पतीले दिखाइए, इसमें क्या क्या है सर? देखिए सर, इसमें है माँ छोले की दाल। माँ छोले की दाल, इसमें कड़छी चला के दिखाइए सर। जो अपने लंगर वाली दाल बोलते हैं सर। जी जी जी, ये हम तंदूर पे बनाते हैं। वाह वाह वाह, ये लंगर वाली दाल है और तंदूर पे आप बनाते हैं इसको? हाँ जी सर। और कितने घंटे लगते हैं सर इसको पकने में? इसको पकने में सर लगभग 1.5 घंटा लगता है। 1.5 घंटा? हाँ जी। अरे वाह, बढ़िया, एकदम माँ छोले की दाल है लंगर वाली। और सर नेक्स्ट दिखा दीजिए, नेक्स्ट क्या है जी? ये सर हमारी मास्टर ग्रेवी है। मास्टर ग्रेवी? हाँ जी सर। इसमें सारी की सारी मशरूम, पनीर, सब कुछ इसी में बनता है? सब इसी में बनता है सर, बस फ्लेवर ऐड हो जाता है जी। इसकी सब्जी होती है इसमें, हम इसमें चला के दिखा दीजिए एक बार। जी जी जी, खोया आप बता रहे थे इसमें सर? हम खोया जी, काजू जी, मगज जी, अनियन जी और जिंजर पेस्ट डालते हैं सर। अरे वाह, ये भाई बढ़िया एकदम मास्टर ग्रेवी है जी। इसमें गार्लिक ऐड नहीं करते हैं सर, क्योंकि कुछ लोग हैं जो हमारे बनिए समाज के, अग्रवाल समाज के जी, कुछ लोग जैन समाज के जो गार्लिक नहीं खाते हैं जी, जी, जी। तो इसलिए गार्लिक ऊपर से ऐड करते हैं, जिसको खाना होता है उसको ऐड कर देते हैं, जिसको नहीं खाना होता तो उसको ऐड नहीं करते। ये सर 2-3 तरह की ग्रीन वेजिटेबल्स बनाते हैं सर, जैसे अब ये देसी टिंडे हैं। अच्छा, अरे वाह, टिंडे? हाँ जी सर। सर एक बार इसमें भी कड़छी चला दीजिए जरा। ये देखो जी, ये ग्रीन वेजिटेबल्स में टिंडे हैं जी ये, और ये तो मेरी फेवरेट चीज है, घर जाता हूँ ना तो इसके साथ फुलका तवे का और साथ में टिंडे। लाइट रहते हैं सर जी, जो लोग रेगुलर हमारे पास खाना खाते हैं तो वो डेली पनीर की सब्जी नहीं खा सकते हैं। करेक्ट करेक्ट, उनके लिए ये रखते हैं टिंडे है। जी ये है सर कड़ी। ओ भाई क्या कड़ी, पकौड़ा जी, जबरदस्त एकदम, पकौड़े और कड़ी सर। और ये होम स्टाइल बनी हुई है? हाँ जी सर, होम स्टाइल बनी हुई है। हाँ होम स्टाइल सर। जी जी जी, ज्यादा कुछ वो खड़े मसाले वगैरह ज्यादा नहीं, सिर्फ ये पालक डाल के सर इसको तड़का ऊपर से लगाएंगे जी, कस्टमर के डिमांड के हिसाब से। बहुत कोई स्पाइसी खाना चाहता है, कोई स्पाइसी नहीं खाना चाहता है, तो उस हिसाब से सब कुछ फ्रेश बनता है सर, सिर्फ बॉइल्ड रहता है सब कुछ और उसको तड़का हाथों हाथ लगाते हैं। ये सर हमारी राजस्थान की स्पेशल बेसन के गट्टे। अरे वाह वाह वाह, राजस्थानी स्पेशल बेसन के गट्टे हैं जी यहाँ पे। और एक बार इधर को दिखाइए सर, मजा आ रहा है देख के इसको, तो इसमें बहुत ही बड़े मसाले भूनते हैं जी, साबत काली मिर्च जी, मैं आपको दिखाता हूँ अगर मिल जाए तो। वाह 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 वाह, इसमें सब कुछ जायफल जावित्री सब डाला हुआ है? हाँ जी सर। वाह जी वाह, सर बेसन के गट्टे निकाल के दिखाइए, ये देखो भाई मुँह में पानी आ रहा है इसको देख के। ओहो हो हो हो, बहुत ही बढ़िया, बहुत जबरदस्त। ये सच बात है कि आप यहाँ पे काजू कड़ी बनाते हैं? हाँ जी सर बिल्कुल, काजू की कड़ी अभी आपके सामने बनाएंगे सर। वाह वाह वाह, तो सबसे पहले तो पैन के अंदर आ गए जी काजू, थोड़ा सा जिंजर का पेस्ट ऐड करेंगे, थोड़ा सा गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे, ये हल्का चटपटा हो जाए जी। देखिए सर ये काजू लाल हो गया है थोड़ा। हाँ जी, टोमेटो ग्रेवी जी, सब कुछ फ्रेश रहता है सर, कुछ भी मार्केट का नहीं लेके आते जी, जी, जी हम खुद प्रिपेयर करते हैं।
वाह, और क्या अरोमा है यार, टमाटर ग्रेवी आने से एकदम अरोमा ही बदल गया, मजा आ गया। थोड़ा सा सॉल्ट, ये आ गया जी नमक, लाल मिर्च, लाल मिर्च आ गई, ये आ गया जी हरिया धनिया, और ये मास्टर ग्रेवी। मास्टर ग्रेवी, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया भाई। राजस्थान आते हो तो ये काजू करी जरूर ट्राई करना, क्योंकि ये एकदम स्पेशल है, कभी सुना भी नहीं है कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। इसमें ऐड करेंगे सर थोड़ी सी फ्रेश क्रीम। ये आ गई जी फ्रेश क्रीम, ओह जबरदस्त। हल्की सी ग्रीन चिली सॉस, हल्की सी ग्रीन चिली, अरे वाह। थोड़ा सा फूड कलर, ये आ गया जी हल्का सा कलर, थोड़ा सा क्रश्ड पनीर। अच्छा ये कद्दूकस क्या हो, पनीर है? हाँ जी ग्रेटेड पनीर है। कसूरी मेथी, अरे वाह जी वाह, कसूरी मेथी भी आ गई, जबरदस्त। थोड़ा सा किचन किंग, थोड़ा सा किचन किंग आ गया, हल्की सी काली मिर्च जी। इसके साथ में सर लहसुन की चटनी जी, मलाई मेथी जी, और एक अपनी स्पेशल सब्जी है सर, सेव भाजी की सब्जी बोलते हैं उसको। अच्छा, मोस्टली जो ट्रक ड्राइवर्स बस ड्राइवर्स होते हैं वो यही सब्जी खाते हैं, क्योंकि ये हर जगह पे फ्रेश ही बनानी पड़ती है। लो जी, ये आपकी काजू करी सर्व हो गई भाई, और एकदम बढ़िया गाढ़ी सब्जी है यार। गार्निशिंग के लिए आ गया जी हल्का सा पनीर, थोड़ी सी इसमें मलाई ऐड करते हैं, मलाई भी डालेंगे, बिल्कुल ताजी मलाई है जी जी जी। और भाई कहते हैं कि राजस्थान आए और लहसुन की चटनी ना ट्राई करी, तो भाई आपका राजस्थानी सफर जो है वो अधूरा है। तो साहिल भाई ये चटनी है और इसको आप बनाते हैं ऐसे मतलब ऑन द स्पॉट? हाँ जी सर। क्या बात है जी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये सर अपनी सबसे फेमस डिश है जी, लोग जो बाहर रहते हैं, जो यहाँ के बच्चे जो यहाँ पढ़ते थे, कोई बॉम्बे रहता है, कोई दिल्ली रहता है, कोई दुबई रहता है जी, तो वो जब भी यहाँ पे आते हैं तो वो पैक करा के लेके जाते हैं। अरे वाह, इसकी खास बात यह है कि ये 10 दिन तक खराब नहीं होती है। अच्छा, आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रखिए, सर्दियों में 15 दिन 20 दिन, गर्मी में एक हफ्ता 10 दिन तक ये खराब नहीं होती। वाह वाह, क्योंकि बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर रहती है जी जी जी। थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे सर जी, ऑयल के अंदर जीरा आ गया जी, हल्की सी हरी मिर्च, हरी मिर्ची आ गई, तो थोड़ा सा लाल होने देंगे सर जी। इसमें ऐड करेंगे सर टमाटो ग्रेवी, ये आ गई साथ में टमाटो ग्रेवी, हल्का सा जिंजर का पेस्ट ऐड कर देंगे सर, जिंजर का पेस्ट, थोड़ा लाल होने देंगे जी। जिंजर सिकने में थोड़ा टाइम लेती जी जी जी, हल्का सा टाइम लेता है जिंजर। सॉल्ट स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च, लाल मिर्च, थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं सर इसमें। अच्छा जी, ताकि अच्छे से पक जाए जी। ये लहसुन की चटनी जो है डिश एक मेन्यू में इंक्लूडेड है? हाँ जी सर। और ये कितने की होती है सर? 140 की। 140 की, और इसके साथ आप रोटी लेके खा सकते हैं इसमें सर? ये 140 की प्लेट में आप 5 से 6 लोग खा सकते हो, क्वांटिटी खूब अच्छी। अरे वाह वाह वाह। इसमें ऐड करेंगे सर ये हमारा गार्लिक पेस्ट जी, जो हम खुद रेडी करते हैं जी, लहसुन खुद छिलते हैं। तो ये लहसुन जो है पूरा का पूरा एक मतलब पेस्ट बनाई हुई है, और इनकी इन हाउस पेस्ट है, और उसको ही यूज करते हैं यहाँ पे। कलर ऐड करेंगे सर ताकि थोड़ा सुंदर दिखे जी जी जी, मेकअप करना जरूरी है सर। अब इसमें स्पेशलिटी क्या है सर, हमारे पास जो भी है ना हम वो सब डाल देते हैं जी। अब जैसे कि इसमें थोड़ी सी बेसन गट्टे की ग्रेवी ऐड करेंगे। अच्छा जी, थोड़ी सी मास्टर ग्रेवी ऐड करेंगे। अरे वाह जी वाह। के बाद में सर इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पनीर, ये आ गया पनीर, और ये आ गया जी हरिया धनिया। ये खराब इसलिए नहीं होती है सर क्योंकि ये बनी हुई नहीं है जी, ये बिल्कुल फ्रेश रहेगी, और इसको आप फ्रिज में स्टोर करके रखिए और आप आराम से एक हफ्ते तक इसको खा सकते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये जो क्वांटिटी मैंने बनाई है ये हाफ प्लेट की क्वांटिटी है। अच्छा, अगर आप फुल लेते हो तो इससे भी ज्यादा है। ओ भाई, तो हाफ प्लेट कितने की है सर? हाफ प्लेट 90 रुपीज की। 90 रुपीज में इतनी क्वांटिटी? हाँ जी सर। अरे वाह जी वाह। थोड़ी सी कसूरी मेथी ऊपर से आ गई है, कसूरी मेथी। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हो तो काली मिर्च ऐड कर सकते हो। वाह, और ये देखो भाई ये बढ़िया लहसुन चटनी जो है ये बनके तैयार। और भाई इसकी जो प्रिपरेशन है इतनी जबरदस्त है, मजा आ जाता है इसको प्रिपेयर होते हुए देखते हुए ही, और इसको खाने का तो भाई साहब अलग मजा आएगा ही। ये है जी काजू करी भाई, देखो इधर प्रिपरेशन देखो इसकी इतनी बढ़िया है, ऊपर ये मलाई और क्रीम और ये सब डाली हुई, ये पूरी फुलफिलिंग पूरी जैसे कह लो ना लोडेड सब्जी है। इधर इसको बैलेंस करने के लिए ये है जी गार्लिक चटनी। भाई ये जो गार्लिक चटनी है राजस्थान की जान है, भैया ने बोला है कि ये सब्जी आप 10 दिन 15 दिन आप खा सकते हो, इसको लेके जा सकते हो यहाँ पे। जो लोग यहाँ रहते थे राजस्थान में और अभी बाहर मूव हो गए हैं वो इसको जरूर साथ में लेके जाते हैं। ये है जी हमारे यहाँ की मलाई मेथी भाई, इसकी इसकी प्रिपरेशन, इसकी रंगत चेक करो। ट्रक ड्राइवर भाइयों की फेवरेट सब्जी दिखाते हैं, ये है जी सेव भाजी, बट ये हर जगह आपको फ्रेश मिलेगी, तो ये पुरानी बासी आपको नहीं खिला सकता कोई। सबसे पहली बाइट सबसे हैवी ड्यूटी होने वाली है, सबसे हैवी ड्यूटी बाइट हम लेंगे जी ये काजू करी के साथ। ये है जी काजू करी, तो ये लो जी, here's a bite, here goes। इनकी जो मास्टर ग्रेवी है ना, मास्टर ग्रेवी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सॉलिड है, उसकी वजह से जो फ्लेवर आ रहा है काजू करी में
एकदम नेक्स्ट लेवल है। काजू ना एक अलग सा टेक्सचर दे रहे हैं सब्जी में, जैसे पनीर की हमारी आदत होती है ना, पनीर खाओ तो वो मतलब बहुत सॉफ्ट होता है, काजू एक खड़ा खड़ा सा टेक्सचर दे रहे हैं सब्जी को। ये देखो मलाई मेथी, भाई मज़े आएंगे मज़े। ये देखो ये ना धुएं मार रही है ज़बरदस्त। मेथी का हल्का सा जो वो जो कड़वापन होता है वो ना आपको बाइट लेने में मजबूर करता है कि अब नेक्स्ट बाइट लो फटाफट से। हल्का सा मुंह में कड़वापन आ गया, पनीर एकदम सॉफ्ट और हल्की सी वो जो खट्टा मीठा फ्लेवर है ना, तो चटपटा फ्लेवर है, लहसुन प्याज टमाटर और अदरक, भाई ये जो कॉम्बिनेशन बनता है ना चटपटा सा, आपको पता ही है बहुत ज़बरदस्त होता है। और सेव भाजी की पकौड़ी जो है वो साथ में आ गई है, हिज बाइट विद द पकौड़ी, हियर गोज। इसमें बेसन का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, देखो सारा का सारा जो भुजिया है जो सेव है वो बेसन से बनी हुई है, तो बेसन का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। ये वाकई में ना शायद मेरी फेवरेट सब्जी बनने वाली है आज से, क्योंकि भाई इस नज़रिए से मैंने इसको कभी देखा ही नहीं। तो मैं ये पूरी की पूरी जो प्लेट है और प्लस ये जो सब्जियां सामने पड़ी हैं, मैं सारी की सारी ख़त्म करता हूँ और आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जिंदाबाद रहें, छड़ी रहें, तो जौंदा पंजाब नारे साढ़ा हिंदुस्तान, जय हिंद। और अगर आप देखना चाहते हो ऐसी ही एक ज़बरदस्त वीडियो अबाउट अनदर अमेजिंग फूड प्लेस इन राजस्थान, तो भाई ये देखो।